हेलो स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर हाजिर है क्लास 9th एनसीईआरटी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स या क्वेश्चंस लेकर। एक्सरसाइज 10.2, चैप्टर का नाम है सर्कल्स। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबस्टेंस इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब होता है जिनके रेडियस इक्वल हो। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडियाई, जिनका रेडियाई इक्वल हो उसको कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलते हैं। हमें यहाँ पर प्रूव करना है, एक मान लीजिए सर्कल है दो, इस सर्कल का सेंटर ओ है, इस सर्कल का सेंटर ओ डैश है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स, इसका कॉर्ड ए बी है, इस पर कॉर्ड सी डी है और दोनों ही कॉर्ड एक दूसरे को इक्वल है, ठीक है। हमें गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस आर एंड अनदर सर्कल सेंटर ओ डैश एंड रेडियस आर, दोनों ही सर्कल का रेडियस जो है वो आर है क्योंकि दोनों ही सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, एंड दिस सब्सटेंस इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। हमें ये प्रूव करना है कि इनके द्वारा बनाए गए एंगल्स, सेंटर पे बनाए गए एंगल इक्वल है, मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डैश डी के। इसका बहुत ही आसान सा प्रूफ होगा, हम ले लेंगे ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। इसमें हम देखते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, ये दोनों ही रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल है, ये रेडियस इसके इक्वल है और ए बी इज इक्वल टू सी डी ए गिवन है। देयरफोर बाय साइड प्रॉपर्टी ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ डैश डी के, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए। तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के इक्वल पार्ट। तो ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। दूसरा थ्योरम देखते हैं। दूसरा थ्योरम एकदम इसका ऑपोजिट है। इसने बोला हुआ है कि दो सर्कल दिए हुए हैं, सेम डायग्राम बनेगा, दोनों सर्कल का सेंटर अलग है परंतु दोनों ही का रेडियस इक्वल है क्योंकि दोनों ही कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। यहाँ पर एक कॉर्ड है ए बी और यहाँ पर एक कॉर्ड है सी डी। हमें गिवन है सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस आर एंड सर्कल विथ सेंटर ओ डैश रेडियस आर। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये भी गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि कॉर्ड ए बी इक्वल है सी डी के। हम प्रूफ में इन ही दो ट्राइंगल्स को ले लेंगे ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी। इसमें हम फिर से वही लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, ओ बी ये ओ ए ये ओ डैश ये जहाँ पर एक डंडी है वो उसके इक्वल है, दो डंडी वाला उसके इक्वल है। ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये जो है रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये जो है ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर इक्वल एंगल एट द सेंटर्स। देयरफोर बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ट्राइंगल ए ओ बी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ डैश डी के। देयरफोर ए बी इज इक्वल टू सी डी सी पी सी टी। तो देखा आपने बड़ी आसानी से हम एक ही मेथड से दोनों थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं। इसकी दो स्टेप और इसकी दो स्टेप बिल्कुल सेम है। यहाँ हमें जो गिवन है वो लिख दिया है, इसका ऑपोजिट प्रूव करना था, यहाँ ये गिवन है इसका ऑपोजिट प्रूव करना था। दोनों ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।